नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, पीपीपी मोड को लेकर एक याचिका का यहाँ पे निस्तारण हुआ है जीएनएम भर्ती 2018 में। स्पेशल यहाँ पे जो कोर्ट खुलता है, स्पेशल ने यहाँ पे जो सुनवाई हुई वो लोकपाल सिंह के मामले में यहाँ पे हुई, जिसमें जीएनएम भर्ती पीपीपी मोड को लेकर एक स्पेशल केस पे यहाँ पे सुनवाई हुई। क्या कुछ है पूरी खबर, आइए इस वीडियो में जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, एनएम जीएनएम भर्ती में पीपीपी मोड के मामले को लेकर यहाँ पर निस्तारण हुआ है। 26 मार्च की लेटेस्ट अपडेट आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। लोकपाल सिंह बनाम राजस्थान सरकार के केस की यहाँ पे सुनवाई हुई। जस्टिस एसपी शर्मा जी ने यहाँ पे सुनवाई की और जो पीपीपी मोड का यहाँ पर निस्तारण है वो यहाँ पे किया गया। दोस्तों मैं बता दूं कि लोकपाल सिंह ने याचिका दायर की थी कि उनको 6 साल का अनुभव था पीपीपी मोड पे काम करने का, लेकिन सिर्फ उनको 1 साल के ही अनुभव अंक दिए और प्रक्रिया से इनको बाहर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आइए मैं बता देता हूँ पूरी विस्तृत न्यूज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में अर्जेंट केस स्पेशल बेंच में यहाँ पे सुनवाई हुई। जीएनएम भर्ती 2018 में 6 वर्ष के अनुभव के बाद भी केवल 1 वर्ष का अनुभव मानकर भर्ती प्रक्रिया से बाहर करने के मामले में लोकपाल सिंह ने यहाँ पे याचिका दायर की और अधिवक्ता कोमल गिरी ने बताया कि प्रार्थियों ने जीएनएम टीएसपी एरिया से निकाली गई भर्ती में आवेदन किया। आवेदन के बाद विभाग ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया व प्रार्थियों को आरएनसी रजिस्ट्रेशन कुछ दिनों के लिए गुजरात में होने के कारण दोबारा आरएनसी रजिस्ट्रेशन राजस्थान में करवाए जाने के बाद अनुभव केवल 10 बोनस मार्क्स दिए गए, जबकि प्रार्थी जो है वो 2013 से रेगुलर राजस्थान में ही है और उसका राजस्थान आरएनसी में रजिस्ट्रेशन था। उसको 6 साल का अनुभव था, जिसमें हाईकोर्ट के स्पेशल बेंच में जस्टिस साहब एसपी शर्मा संजीव प्रकाश जी शर्मा ने मामले की सुनवाई के बाद प्रार्थी को 1 साल की जगह 6 वर्ष का अनुभव मानकर जो प्रत्येक साल के 10 बोनस अंक और अधिकतम 30 बोनस अंक देने का यहाँ पे फैसला सुनाया है और यहाँ पे नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं लोकपाल सिंह चौहान सरोफ श्री राजेंद्र सिंह जी चौहान के केस बनाम जो पेटिशनर वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान थ्रू इट्स सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से यहाँ पे सुनवाई हुई है और जो पेटिशनर की जो एडवोकेट है वो कोमल कुमारी गिरी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा ऑनरेबल जस्टिस संजीव प्रकाश जी शर्मा ने यहाँ पे आदेश दिया है कि जो पेटिशनर है वो 108 में इमरजेंसी सर्विसेज एज ईएमटी में यहाँ पे काम किया था और उसको यहाँ पे बोनस अंक देने के लिए यहाँ पे उसने यहाँ पेटिशनर रिट पेटिशन लगाई। काउंसलिंग के जो पेटिशनर हैं सबमिट उन्होंने ओनली 10 मार्क्स ही उसे अलाउ किए, जबकि उसको 30 बोनस अंक मिलने चाहिए थे क्योंकि उसने 6 साल यहाँ पे काम किया है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जो काउंसलिंग फॉर द रिस्पोंडेंट सबमिट दैट इफ पेटिशनर रिकॉर्ड शैल बी री एग्जामिन्ड, यहाँ पे वापस से उसका रिकॉर्ड है अनुभव अंक का वो वापस से री एग्जामिन वापस चेक करने के लिए यहाँ पे आदेश दिए हैं और इफ इट इज फाउंड दैट देर इज नो एरर द सेम शैल बी करेक्टेड। कीपिंग इन व्यू अबाउ दिस रिट पिटिशन इज डिस्पोज ऑफ विथ ए डायरेक्शन टू रिस्पोंडेंट टू री एग्जामिन, यहाँ पे जो मेडिकल के जो सेक्रेटरी हैं, चिकित्सा विभाग के जो सेक्रेटरी हैं, उनको यहाँ पे आदेश दिया है कि जो इसका अनुभव प्रमाण पत्र है वो फिर से री एग्जामिन किया जाए और इसका अगर ये जो अनुभव प्रमाण पत्र सही पाया जाता है तो उसके अनुसार इसको कंप्लीट बोनस अंक दिया जाए और मेरिट में इसको शामिल किया जाए। इफ ही इज अदरवाइज फाउंड टू बी मेटोरियस द केस ऑफ पेटिशनर शैल बी कंसिडर फॉर अपॉइंटमेंट, यानी कि यहाँ पे जस्टिस एसपी शर्मा जी ने यहाँ पे फैसला सुनाया है कि जो पेटिशनर है उसने 6 साल राजस्थान में काम किया पीपीपी मोड पे और उसको सिर्फ और सिर्फ 1 साल का अनुभव का लाभ देते हुए 10 नंबर दिए यहाँ पर बोनस अंक और भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया, जिस पर लोकपाल सिंह जो चौहान है उन्होंने यहाँ पर रिट पिटिशन लगाई राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच में और
जो है अपना अनुभव प्रमाण पत्र और अदर डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट किए, जिस पर जस्टिस एसपी शर्मा जी की अदालत में यहाँ पे चिकित्सा विभाग को पुनः इसके जो अनुभव प्रमाण पत्र है वापस चेक करने के आदेश दिए हैं, और यदि वह सही पाए जाते हैं तो उन्हें नियुक्ति देने के भी आदेश जारी किए हैं। बड़ी अपडेट दोस्तों आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे निकल के आ रही। तो दोस्तों इस प्रकार से जस्टिस एसपी शर्मा जी की अदालत ने स्पेशल केसेस की यहाँ पे सुनवाई की, लोकपाल सिंह बनाम राजस्थान सरकार के और पीपीपी मोड को लेकर जीएनएम में यहाँ पे निस्तारण हुआ है, और साथ ही अगर लोकपाल सिंह अगर योग्य पाए जाते हैं तो इन्हें वापस से इनके जो अनुभव प्रमाण पत्र है वापस यहाँ पे जांच करने के आदेश यहाँ पे राजस्थान हाईकोर्ट ने यहाँ पे जारी किए हैं। जी हाँ दोस्तों, इनको एक साल का ही अनुभव का यहाँ पे लाभ दिया गया था, जबकि इन्होंने 6 साल यहाँ पे काम किया है पीपीपी मोड में, और इनको 30 बोनस अंक मिलने चाहिए थे जबकि 10 बोनस अंक ही यहाँ पे दिए, और उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया, जिसमें एडवोकेट कोमल गिरी ने इनकी ओर से सुनवाई की, और अधिवक्ता जो जज साहब हैं एसपी शर्मा जी की अदालत ने इन्होंने यहाँ पे आदेश दिए कि अगर अभ्यर्थी योग्य पाए जाते हैं दोबारा एग्जामिनेशन में तो इनको यहाँ पे 30 बोनस अंक देते हुए पुनः यहाँ पे शामिल किया जाए और नियुक्ति यहाँ पे इनको दी जाए। बड़ी अपडेट दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।